इस बीमारी की भविष्यवाणी तो एक साल पहले ही कर दी थी। #fashionshow#fashionweek#cool#behearted#gentleman#। आप बढ़ जल्दी आ गए। अरे आइए ना, अंदर आइए। स्कर्ट अंदर, आप अंदर आइए। वैसे ये आप कर क्या रहे थे? ये मैं कर रहा था वो अंजलि अरोड़ा ने इस वीडियो पे काफी सारे मिलियन व्यूज बढ़ा रहा है, तो मैं भी ट्राई कर रहा था। आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी चेंज कर रहा हूं। ठीक है, मैं इतना अपने घर पे कर लूंगा। अभी आया हमें छापरी। तो सर हम लोग शुरू करते हैं। हाँ करिए। तो मैं यश रिपोर्टर आ गया हूँ टेजू सर के घर। तो अभी थोड़ी देर में यहाँ पर अंजलि अरोड़ा भी आने वाली हैं। आई होप आप लोग अंजलि अरोड़ा जानते होंगे कि वो कौन है। तो टेजू सर बताइएगा जी कि आप इतना ज़्यादा अच्छा कंटेंट कहाँ से लेकर आते हैं? ये क्रिएटिव आइडियाज आपके दिमाग में कहाँ से आते हैं? कंटेंट? जी जी जी। वो क्या होता है? वही जो आप वीडियो के जरिए से इंस्टाग्राम पर अपलोड करते हैं। ओ अच्छा, उसे कंटेंट कहते हैं? जी। सॉरी, क्योंकि मुझे तो लगा उसे हगना कहते हैं, क्योंकि जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करता था तो मेरे फेमस फॉलोअर जो होते हैं वो यही कहते हैं कि ये क्या हग दिया, तो मुझे लगा कि ये नहीं बोलना था। बंद करो यार उसको। तो सर सब लोग जानना चाहते हैं कि ये इतना ज़्यादा क्रिएटिव आइडिया आपके दिमाग में कहाँ से आया कि कच्चा बादाम पर ये वाले भी स्टेप हो सकते हैं? पहले लोगों को सिर्फ ये लगता था कि बम का सिर्फ एक ही काम है और वो है हगना। हम जैसे इंस्टाग्रामर्स ने लोगों को बताया कि अपने बम साहब कितने सारे काम और कर सकते हैं। हाँ वैसे ये बात तो आपने ना एकदम सही कही, बस ये ना आप ही की मेहरबानी है जो हम इंस्टाग्राम पर ना बल्क में बमे देख रहे हैं। अरे अरे बस थैंक यू, वरना मुझे शर्म आ जाएगी। अबे शर्म ही तो नहीं आ रही तुम लोगों को क्या? अरे सर वो मेरा मतलब है इसमें शर्म की क्या बात है। ओ, हाँ। ये पता है आपकी बदौलत हम लोगों को ये सब चीजें देखने मिल रही हैं। आपको पता है हम लोग देखने ही ये सब आते हैं इंस्टाग्राम पर। अरे लड़कियों को छोड़ो, यहाँ जिंदा लोंडे मटक रहे हैं कतई नोरा फतेह बन के। अब ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अबे वही तो मैं कह रहा हूँ, कुछ ज्यादा हो गया ये। वेट अभी आया, लगता है अंजलि जी आ गई। हेलो मैम। हाय सॉरी फॉर लेट, इंटरव्यू स्टार्ट करें? ओके। सो मैम पहले मुझे ना आपसे एक बात पूछनी थी जी। आप ये नाइट सूट फिर से पहन के आए हैं, मुझे लगता है आप यहाँ पर ना मुजरा करने के लिए आए हैं। सॉरी मेरा मतलब आप रील्स बनाने के लिए आए हैं। देखिए मुजरा उसे टिकटॉक बोलते हैं, इंस्टा पर इसे क्रिएटर बोलते हैं, कंटेंट क्रिएटर, और हम कंटेंट क्रिएटर हैं। मैम इंस्टा पर उसको कंटेंट बोलते हैं और आप लोग कंटेंट क्रिएटर हैं। हैं वही, मैंने भी तो पैसे नहीं बोला ना। हमारी पब्लिक आई होप समझ गई होगी। हाँ तो मैम जनता जानना चाहती है कि आपको पहली वीडियो पर आपके 26 मिलियन व्यूज कम लग रहे थे, जो आपने फिर से सेम स्टेप करते हुए एक सेम वीडियो अपलोड कर दिया। सेम कहाँ, तुमने ध्यान से नहीं देखा, कपड़े चेंज किए थे मैंने, याद नहीं? और उसमें कितनी मेहनत लगती है पता नहीं आपको? कितनी मेहनत लगी उसमें? आप भी ना सर। सॉरी मैम वो मेरी गलती है, मैंने आपसे ये सवाल पूछ लिया। खैर तो मैम आप बताइए जरा कुछ अपनी यहाँ की तक आने की जर्नी के बारे में। बहुत मेहनत करी है मैंने, यू नो मैंने इतनी मेहनत करी है कि मैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, ओह माय गॉड आई कांट एक्सप्लेन यू, इतनी मेहनत करी है मैंने। मैम क्या मैं पूछ सकता हूँ आप किस मेहनत की बात कर रही हैं? वही मेहनत जो टिकटॉक से लेके इंस्टाग्राम तक आपकी एक शीशे के सामने निकल गई, वही जर्नी? सॉरी तुम ये क्या कह रहे हो, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? तुम सारे रिपोर्टर ना सब एक जैसे होते हो। हाँ मैम वो
हम आप इंस्टाग्रामरों की तरह मेकअप नहीं करते ना। देखा 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 आ गए ना आईलाइन कॉपी करके, बोलोगे वही जो हम करेंगे। बिल्कुल। कौन सी लाइन की बात कर रहे हैं आप दोनों? पहली बात तो ये, आप लोगों की कोई लाइन नहीं होती, आप लोग खुद दूसरों की लाइन पर लिपसिंग करते हो। और खैर छोड़ो यार। टैशु मैं जा रही हूँ, तुम्हें भी बेइज्जती करानी करा, पर मुझे नहीं करानी। बाय। अरे अंजलि अंजलि देखा आपने भगा देना बेचारी को, कितने दिल से आई थी वो। अब मेरे साथ रील कौन बनाएगा? चलिए सर छोड़िए सर, अब हम भी बंद करते हैं यहाँ पर इंटरव्यू। अच्छा मैं सोचा था ना इंटरव्यू बंद करने से पहले आपके साथ एक रील्स बना लेता हूँ। ओके। अब तो, हम लोग यहाँ पर आए हैं एक इंस्टाग्राम किंग के पास और एक रील्स नहीं बनाई, मतलब टैशु भाई आपकी बेइज्जती हो जाएगी है ना। तो क्या करना है? ये वाली रील हम इसमें ना आपको मारेंगे और आपको ऐसे रिएक्शन देने हैं जैसे कि एकदम सॉलिड वाले मर्दों वाले, कि आपको दर्द ही नहीं हुआ, ठीक है? और इसमें सहयोग करेंगे हमारे कैमरामैन। आ जाइए सर, आ जाइए। ओके शोम सर आ जाइए आप भी। वाह 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 सर क्या एक्टिंग की, देखा आपने? इनको इंस्टाग्रामरों को कितनी रेस्पेक्ट देनी चाहिए हमें, बहुत अच्छा गया। और ये सर बहुत अच्छी एक्टिंग की। सर वो आप एक फील करके पूरा आपने एक्ट किया है ना, यू आर अ मेथड एक्टर। थैंक यू सो मच। चलें कैमरामैन? ठीक है सर। तो देखा आपने, ये हर्ष भाई का तरीका है। तो भाई हर्ष भाई बढ़िया तरीका है यार, जैसा आप भी ना ऐसे रील्स वालों को ना मटकते हुए देखो ना, मारो सालों को पकड़ के, गंद फैला रहे हैं यार हमारे यहाँ। हर्ष भाई लव यू।